क्यों 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 नहीं? कल मैं पूरा स्पाइडरमैन का कॉस्ट्यूम पहनकर गई थी वहां पे, मुझे लगा कि मैं पूरा कवर करके जाऊंगी तो कोई मुझे पहचान नहीं पाएगा, वहां कोई नहीं होगा, कोई नहीं होगा वहां, मैं घुस जाऊंगी बॉडीगार्डों को मार मार के दरवाजे के अंदर। लेकिन मैं कल गई तो इतना सारे लोग वहां थे, सबने मुझे पकड़ लिया, मैं अंदर जा नहीं पाई। वेरी सैड। गए थे अंदर? हाँ, अंदर गई थी मांडावली करने। मांडावली हुई? हाँ, मांडावली हुई अंदर जाके, खूब धुनाई हुई मेरी। बिग बॉस और उनके लोगों ने, उनके बॉडीगार्डों ने बहुत धुनाई करी स्पाइडरमैन की, स्पाइडर वुमन की। स्पाइडर वुमन मुंह में नहीं आता है, स्पाइडरमैन ही आता है, क्योंकि हमेशा स्पाइडरमैन मेरा फेवरेट है, इसलिए बहुत धुनाई हुई। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे कैसे आप आ सकते हो, मेरा तो बिना बुलाए गए थे आप, आपको बुलाया गया था ना? बुलाया गया था? नहीं, बिना बुलाए कैसे जाते हो? क्यों नहीं जा सकते? अरे यार, बिग बॉस ने कहा था लास्ट टाइम ना, ये तो जबरदस्ती कब्जा करना हुआ, ये गलत बात है। क्यों, यहाँ पे तो हर कोई जबरदस्ती कब्जा हर जगह कर लेता है, कोई किसी की बीवी पे कब्जा कर लेता है, कोई किसी की गर्लफ्रेंड पे कब्जा कर लेता है, कोई कोई किसी न किसी पे घर पे कब्जा कर लेता है, कोई किसी के बिल्डिंग पे कब्जा कर लेता है, कोई किसी के करियर पे कब्जा कर लेता है, कोई किसी के रोल पे कब्जा कर लेता है। तो मैं राखी सावंत बिग बॉस ओटीटी पे कब्जा नहीं कर सकती स्पाइडरमैन बन के? आप फिर आप बहुत स्ट्रांग हो। हाँ, तो मैं गई वहाँ पे कल, फिर मेरी खूब धुनाई हुई। उन्होंने ये बताया कि भैया क्वारंटाइन करना पड़ता है एक हफ्ता। और एक चीज और नोटिस किया मैंने, आपका 1,00,000 फॉलोअर्स कम हो गया अचानक से, क्यों? फैंस है, 2 मिलियन था, अभी 1.9 लाख नहीं हुए, 500 हुए। 500 हुए? हाँ, ओके। अगर उसमें 200 भी कम होंगे, 100 भी कम होंगे, 1 भी कम होगा, तो आपको 1,09,000 दिखाई देगा। अभी 2 मिलियन करना है जल्दी, कैसे होगा? नहीं, एक्चुअली क्या, फैंस का अपना मर्जी है, कर रहे हो तो करो, नहीं तो नहीं। नहीं, फैन के अगर कभी क्या, कोई एकदम भर भर के भी आ जाते हैं। हाँ। और कभी एक भी चला गया तो वो कम दिखने लगते। बट मैंने सबसे रिक्वेस्ट किया था कि सब लोग मुझे फॉलो करो, और बहुत सारे लोगों ने फॉलो भी किया। मैं कभी कभी पोस्ट नहीं डालती हूँ तो वो चले जाते हैं, जब पोस्ट डालती हूँ तो वापस आ जाते हैं। जैसे मैंने आज स्पाइडरमैन का एक बिग बॉस की चाबी दिखी अपने, मेरे पास एक चाबी थी, मैंने नकली चाबी बनाई है बिग बॉस के, तो रात को ओटीटी के घर की। तो छापा कभी मारोगे, रात में कि दिन में? मैं ऐसा मिस, मैं अनिल कपूर जी आपकी वॉच दे दो मेरे को, मिस इंडिया की। आप बहुत नाच रहे हो आपकी बेटी की शादी में, लेकिन नाचना बंद करो और मुझे वो मिस्टर इंडिया की वॉच दे दो, ताकि मैं वो वॉच पहनूं, गायब हो जाऊं और अंदर बिग बॉस के हाउस में घुस जाऊं, मतलब बिग बॉस ओटीटी में घुस जाऊं। क्योंकि प्रतीक जो है बहुत आग बबूला हो रहा है, देखा वो अपने आप को लोखंडवाला का निक जॉनस समझ रहा है, प्रियंका चोपड़ा का हस्बैंड समझ रहा है, लेकिन मुझे तुम टॉम क्रूज लगते हो प्रतीक। तुम नॉन स्टॉप बुलेट ट्रेन हो जो स्टॉप ही नहीं होती है, लेकिन प्रतीक तुम्हारा जो स्टॉप स्टेशन है वो मैं हूँ। अगर मैं आ गई करूंगी ना तो तुम स्टॉप हो जाओगे प्रतीक। मुझे तो वो टॉम क्रूज लगता है, मिशन इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने गया है बिग बॉस ऑडिट टीम में। अरे बाप रे, राखी जी टी शर्ट वहीं से लेके आएंगे? हाँ, मैंने बनवाई है ये टी शर्ट। हाँ, बिग बॉस की आँख, मेरी दो आँख और बिग बॉस की एक आँख। लेकिन अभी मेरा अटैक जो है ना, वो मैं अटैक कर रही हूँ, अभी राखी का अटैक आएगा मुझे। उन्होंने अंदर अटैक किया, सबने मेरी धुनाई कर दी, मुझे बाहर निकाल दिया, मुझे किसी ने बिग बॉस ओटीटी में नहीं जाने दिया। अब मैं अपने स्टाइल से देखना सब लोग कैसे मैं धुनाई करती। सलमान सर से मिले कि नहीं कल आप? सलमान सर अंदर क्या बूंदी के लड्डू बना रहे हैं? 3 महीने के बाद। अच्छा, सलमान सर थोड़ी, सलमान सर आएंगे 3 महीने के बाद, मतलब जब भी कलर्स पे आएगा। करण जौहर जी उसमें जाना फिक्स है आपको? हाँ, हे प्रभु मेरे पति, सलमान सर की खास राखी सावंत, प्रभु मेरे और मेरे पति रितेश। अरे कौन है ये रितेश कुमार सिंह राठौड़? राठौड़ को भेज दो मुझे मेरे पति को अंदर। पति 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 चाहिए राखी जी को, पति चाहिए, मैं भेज दो, मैं भी दुनिया को दिखा दूंगी कि मैं भी कितनी बड़ी सती सावित्री हूँ। अपने पति के लिए अपने प्राण भी दे सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ अपने पति के लिए। प्यार अंदर, हाँ, पति के लिए खाना बनाऊंगी, पराठे बनाऊंगी, जो जो भी मेरे अंदर पति को पराठे नहीं देगा, फिर मैं उनकी रावणी बन जाऊंगी, मैं अंदर रावणी, इसलिए मैं अपने पति के साथ अंदर जाना चाहूँगी।
हाँ क्यों नहीं जा सकती क्या? नहीं जा सकती मैं। राखी जी वो अफगानिस्तान में वो ऐसा हंगामा हुआ उस। मैं बिग बॉस में चली गई स्पाइडरमैन बनके। बिग बॉस ओटीटी बहुत लोगों ने कमेंट किया कि राखी जी को अफगानिस्तान भेजो। हाँ मैं जा रही हूँ अफगानिस्तान स्पाइडरमैन का ड्रेस बनकर। और सारे जो फ्लाइट उड़ जा रही है वहाँ से लोग बेचारे उनको अंदर नहीं भेजा जा रहा, दरवाज़ा नहीं खोला जा रहा। मैं स्पाइडरमैन बन के वो फ्लाइट ऐसे रोक दूँगी और दरवाज़ा करके खोल दूँगी और सबको जितने भी अफगानिस्तान के लोग हैं उनको फ्लाइट में बिठा बिठा के फिर उनको मैं कहीं किसी और देश में छोड़ दूँगी स्पाइडरमैन बन के। क्यों मैंने अभी अक्षय कुमार का प्रोमो देखा, उन्होंने ऐसी फ्लाइट एक हाथ से रोक दी भाई। जब वो एक हाथ से फ्लाइट रोक सकते हैं तो मैं फिच करके क्यों नहीं रोक सकती भाई? मैं भी स्पाइडरमैन वुमन हूँ। ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा फिच फिच क्या हो रहा है। अरे ऐसा करते रहे, देखो ये हाथ है, एक मिनट, ये हाथ ऐसे है, स्पाइडरमैन का जाला जो रहता है ना वो ऐसे करेंगे ना, देखो ऐसे फिच, तो इसके अंदर से जाला निकलता है, फ्लाइट हो या ट्रेन हो स्टॉप हो जाता है, कोई भी चीज वो फिच होता है। मानना पड़ेगा आपको। फिच नहीं मालूम है तुम्हें? यार तुम कहाँ, जो कौन सी दुनिया में रहते हो? 18 साल का हूँ अभी। फिच मतलब जाला फेंकना, स्पाइडरमैन का निकलना ऐसे। वो ड्रेस कहाँ से लिए थे आप? भाड़े पे लिए थे। दे दिए? नहीं है। हाँ आप खरीद लो उसको, रात को कभी कभी छापा मारने जाओगे तो काम पड़ेगा। बिग बॉस ओटीटी तुमने मुझे अंदर नहीं लिया, मैं आधी रात को बंदर बन के भी आ सकती हूँ, गॉडज़िला बन के भी आ सकती हूँ, एनाकोंडा भी बन के आ सकती हूँ, डायनासोर बन के आ सकती हूँ। आप अपने जो दरवाज़ा, बिग बॉस ओटीटी का जो दरवाज़ा ना, बत्ता बड़ा ताला, ताले की चाबी चेंज करा दो। ताला ही तोड़ दो ना, बात खत्म। मैं तोड़ूंगी ताला। हथौड़ा मैं दूंगा। मैं तोड़ूंगी हथौड़ा, मैं दूंगा। हाँ तुम हथौड़ा देना मुझे। उनको बुला दे सिद्धार्थ शुक्ला को, सिद्धार्थ शहनाज को। नहीं वो लोग तो वहाँ पे, हाँ वो लोग गए, देखो मुझे नहीं बुलाया। मेरी बहन अंदर है जूली, छोटू प्लीज मेरी बहन को ला दो अंदर से, बुलाओ बाहर। और उर्वी जी बाहर आ गए। कौन? उर्वी बर्फी, बर्फी ना, बर्फी बाहर आ गई। हाँ उर्फी की बर्फी है, क्या नाम है? उर्फी। हाँ उर्फी नाम है, लगती बर्फी है। तो बाहर क्यों आ गई? हाँ उसने अपने बंदे को, अगर मैं होती वहाँ पे कनेक्शन में तो अपने बंदे के पैर के मसाज भी करती, उसको पकड़ के रखती। अगर मैं कनेक्शन में दो जोड़ी में होती उसके, अरे मैंने राहुल महाजन के गंदे गंदे जांघिए धोए हैं। इंसान सूंघे तो सारा वायरस, मतलब गया हुआ दो इंजेक्शन का वायरस वापस आ जाए। इतने गंदे गंदे कपड़े मैंने धोए हैं, मेरा कॉम्बिनेशन यू नो बहुत अच्छा रहता है जोड़ी में। यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, तुम लोग समझो। उसने अपना कनेक्शन पकड़ के नहीं रखा, कनेक्शन नहीं पकड़ के रखा ना। क्या आप लोग रेडी है मेरा ओटीटी का ये राखी का अटैक देखने के लिए? बहुत जोर से अटैक होने वाला, मैं भाग रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। छोटू पे अटैक कर दिया मैंने। अभी हो रहा है वापस अटैक, ये होता रहेगा, होता रहेगा। देखो मैं आपके लिए आई हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय।